ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसमें कौन कौन से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड होंगे, कौन से स्टॉक होंगे बाइंग साइड, कौन से स्टॉक होंगे सेलिंग साइड। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है पीएल। अभी पीएल मैंने क्यों लिया, पीएल मैं आगे भी सजेस्ट कर चुका और अब भी कर रहा हूं। देखो, आप देख रहे हो कि ये 2 आवर्स का चार्ट है और कितनी देर तक ये रेंज में फंसा रहा। बाद में इधर एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिला, बाद में मार्केट नीचे था तो ये भी नीचे आया। और अभी ये क्या है कि जिस लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर निकला था वही लाइन पे इसने सपोर्ट लेके अप जाने का एक साइन दे रहा है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो। अगर ये प्रॉपर अपसाइड देता है कोई फ्यूचर में, तब आप इसमें अपनी एंट्री ले सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है और अभी ये क्या है कि उसको रिट्रेस करने आया। अगर ये रिट्रेस करके प्रॉपर तरीके से अप निकल जाता है तब आप अपनी इसमें एंट्री बना सकते हो। आपको देखना पड़ेगा आप एंट्री कहां ले सकते हो। तो हो सकता है आप इधर से एक क्या है कि फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, मैं ड्रॉ भी कर देता हूं सो आपको आईडिया है। तो ये जो इसकी फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है उसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होकर अपर निकल जाता है तब आप अपनी इसमें एंट्री बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। नॉर्मली आप देखोगे तो इधर एक फ्लैग टाइप पैटर्न भी बन चुकी है 2 आवर्स के चार्ट पे। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पीएल में तब आप इसमें बाय कर सकते हो। तो अभी हम जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है, वो है naukri.com, मतलब इंफोएज। अभी इसको मैंने क्यों लिया, तो आप देख रहे हो ये एक बार इधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, दूसरी बार इधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। मार्केट जब नीचे था तो ये इतना नहीं गिरा, और जो ये कल मतलब फ्राइडे जो मार्केट अप आया तो ये क्या किया, ये ब्रेकआउट करके अपर निकल चुका है। अगर आप इसको प्रॉपर देखो तो आपको इसमें क्या है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिलेगा। सो मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देता हूं सो आपको आइडिया है। देखो इधर से ये कौन सा पहला शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये दूसरा शोल्डर हो गया। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी आप इसमें ब्रेकआउट बोल सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कहां आप एंट्री ले रहे हो। तो हो सकता है मंडे जब ये ओपन हो तो एक अच्छी सी अगर मूव देता है तब मंडे एंट्री ले सकते हो, नहीं तो वेट कीजिए। ये जो लाइन है वहां रिट्रेस करना है, फिर से कोई अच्छा सा अपसाइड जाने का सिग्नल दे तब आप अपनी इसमें एंट्री बना सकते हो। लेकिन जो भी एंट्री लोगे वो आपको क्या है कि एक एनालिसिस पे लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दे रहा हूं तो आप एंट्री ले रहे हो। अगर मंडे एक प्रॉपर से क्या है कि मॉर्निंग में एक अपसाइड मिल जाती है, मतलब एक मोमेंटम आ जाता है, तब आप इसमें डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, नहीं तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। इस लाइन पे अगर रिट्रेस करता है प्रॉपर तरीके से बाद में आप अपनी इसमें एंट्री बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक। अभी जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो देख लेते। तो जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है आपका जुबिलेंट फूड। अभी इसको मैंने क्यों लिया, तो आप देख रहे हो एक डाउन साइड फिर से एक अपसाइड, 2 आवर्स का ये चार्ट है, बाद में कंसोलिडेट। देखो ये कितने टाइम तक यहाँ खड़ा रहा और बाद में जब ये फ्राइडे मार्केट अप आया तो ये भी क्या है अप आ चुका है। तो देखो एक नॉर्मल सा क्या है कि ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, समझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट अप है तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया। एक अगर प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तभी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आप देखो इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगाओ, आपको लगे कि नहीं ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है उसके बाद अपनी इसमें एंट्री ले सकते हो, या तो क्या कीजिए ये जो कैंडल है उसका हाई ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो। मैं इसको एक बार ड्रॉ भी कर देता हूं, ये हाई ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके बाद जैसे ही गया आप एंट्री ले लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो इसके ऊपर, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो गया है तो बाद में इसमें अपनी एंट्री ले सकते हो। और अगर आपको पता नहीं है कि प्रॉपर ब्रेकआउट कैसे होता है तो क्या कीजिए, आप इसको जितना अप जाने उसको जाने दो, बाद में जब वो रिट्रेसमेंट करने नीचे आए तब आप इसमें क्या है कि एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कहां मैं एंटर हो रहा हूं, कहां मेरा स्टॉप लॉस है और कहां मेरे टारगेट है। तो जो हमारा तीसरा स्टॉक था वो था जुबिलेंट फूड। अभी हम जो इसके बाद का स्टॉक है वो देख लेते। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी इसको मैंने क्यों लिया, तो नॉर्मल सी बात है, ये अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। देखो ये एक अच्छा सा मूवमेंट आया लेकिन बाद में क्या हो गया, एक रेंज बाउंड हो गया। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक फ्लैग टाइप पैटर्न भी बन चुके हैं, आप इसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि पूरा मार्केट डाउन था, इसीलिए क्या कि एक स्पाइक में नीचे चला गया बाद में अपर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेरा ओनली बाइंग व्यू ही है। तो आप इसमें जब ये प्रॉपर तरीके से इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए
यानी कि प्रॉपर तरीके से जो हॉरिजॉन्टल चैनल है इसका ब्रेकआउट हो जाए तब आप इसमें अपनी एंट्री ले सकते हो। तो ये था हमारा स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। नॉर्मली फ्लैग टाइप एक पैटर्न बनाए या तो चैनल भी बोल सकते हो आप, उसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए तभी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद का और आखिरी स्टॉक कौन सा है वो देख लेते। इसके बाद का जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है बायोकॉन। अभी बायोकॉन मैंने क्यों लिया, आप देख रहे हो कि सिंपल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में था सेम सिचुएशन, एक अच्छा सा मूवमेंट आया, बाद में रेंज बाउंड हो गया, मतलब आप इसे फ्लैग टाइप पैटर्न बोल सकते हो। तो ये फ्लैग टाइप पैटर्न है, इसका अगर ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट स्टॉक बायोकॉन। नॉर्मली इसमें एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनी है, कंसोलिडेट जोन में चल रहा है, तो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट जब होगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ मैं क्या है कि एक एनालिसिस शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि जो मैं इधर स्टॉक बता दे रहा हूँ वो सभी नेक्स्ट वीक आप ओपन होते ही सब बाय कर लो या ब्रेकआउट जैसे ही होता आप बाय कर लो, समझ गया। आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, अगर आपको नहीं कुछ पता चलता तो मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आपको कुछ पता चल रहा है उस पर आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही जा रहा है, मेरा SL कहाँ है, मेरे टारगेट कहाँ है, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, नेक्स्ट वीक में कौन से आपकी वॉच लिस्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक होने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया कीजिए, सो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो आगे लेके आए। सो दोस्तों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।